हमारा भाई परेशान है, रणवीर तो सुपर सैड है यार, ये कितने मजे कर रही है, चार अफेयर्स करो और फिर ऐसे ही खुश रहो। जी हाँ, ये बातें हम नहीं बल्कि इस वक्त सोशल मीडिया पर यूजर्स कर रहे हैं, वो भी बॉलीवुड की मस्तानी और खूबसूरत अदाकारा दीपिका पादुकोण के लिए। आखिर दीपी इस टाइम टॉक ऑफ डी टाउन जो बनी हुई है, वो भी बीते ही दिनों अपनी निजी जिंदगी के कुछ ऐसे राज खोलने पर जिन्हें जानकर हर कोई हैरान रह गया। फिल्म मेकर करण जौहर के टॉप शो कॉफी विद करण के 8वें सीजन में रणवीर संग पहुंची दीपिका ने अपनी लव लाइफ की बातें शेयर तो की, लेकिन इसी वजह से उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का सामना भी करना पड़ा। आलम यह है कि KWK से आने के बाद इस वक्त तो दीपिका जो भी पोस्ट डाल रही है उसी को लेकर ट्रोल हुए जा रही हैं, और अब उनके एक लेटेस्ट वीडियो ने और ज्यादा बवाल मचा दिया है। आखिर ट्रोलिंग के बीच दीपिका ने अपना नया अंदाज जो फैंस को दिखाया है, बीते दिनों ही दीपिका ने अपने इंस्टा अकाउंट पर एक लेटेस्ट वीडियो शेयर किया है जिसमें वह एक ट्रेंडिंग लिपसिंग को करते हुए दिखाई दे रही हैं। वीडियो में वह खुद को सो ब्यूटीफुल सो एलिगेंट जस्ट लुकिंग लाइक आ वाओ कहती हुई नजर आ रही हैं। दीपिका ने जैसे ही ये लेटेस्ट वीडियो शेयर किया तो धड़ल्ले से वायरल भी होने लगा, तो वहीं यूजर्स भी एक्ट्रेस को जमकर ट्रोल करते दिखे। आखिर ट्रोल करने की असली वजह क्या है, चलिए आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। कॉफी विद करण शो सीजन 8 का इंतजार तो आपको भी जरूर रहा होगा। यह शो फेमस फिल्म मेकर और प्रोड्यूसर करण जौहर द्वारा चलाया जाता है। इसका 8वां सीजन आते ही हर तरफ इसकी चर्चा होने लगी है, क्योंकि इसमें बॉलीवुड स्टार्स के पर्सनल से लेकर प्रोफेशनल तक सभी बातों पर चर्चा होती है। अपने चटपटे सवाल जवाब के लिए चर्चित इस शो के दौरान दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने अपने 11 साल की प्रेम कहानी और शादी से जुड़े कई अनसुने किस्से साझा किए। दीपिका पादुकोण ने कॉफी विद करण शो में बताया कि वो रणवीर सिंह के संग रिश्ते को लेकर गंभीर नहीं थीं। दीपिका ने बताया कि तब वो सिंगल थीं और रणवीर भी एक रिलेशनशिप से बाहर आए थे। दीपिका ने कहा, तब रणवीर मेरे जीवन में आए, पर शुरुआत में उन्हें लेकर कोई कमिटमेंट नहीं थी। तब हम तकनीकी तौर पर किसी और के साथ डेट पर जा सकते थे, पर हम एक दूसरे के पास ही लौट आते थे। दीपिका ने बताया, तब वो कुछ लोगों से मिली भी थीं, पर उनमें न तो रुचि जगी और न ही उनको लेकर मैं उत्साहित थी। दरअसल दिमागी तौर पर मैं रणवीर के लिए प्रतिबद्ध थी। बस इसी बात को लेकर दीपिका यूजर्स के निशानों पर आ खड़ी हुई। बता दें कि 2012 में बनी ये जोड़ी 11 सालों से एक दूसरे के साथ है। दोस्तों, कई बॉलीवुड सितारों की तरह इन दोनों की प्रेम कहानी फिल्म के दौरान ही शुरू हुई थी। दोनों के बीच केमिस्ट्री की शुरुआत संजय लीला भंसाली की फिल्म गोलियों की रास लीला रामलीला से शुरू हुई। बात 2012 की है, तब यह फिल्म करीना कपूर करने वाली थी। रणवीर ने बताया कि शूटिंग से एक हफ्ते पहले करीना कपूर ने कुछ वजहों से यह फिल्म छोड़ दी। वे बोले, तब हम सभी इस सोच में थे कि किसे उस किरदार के लिए लेना है, और बहुत सोच समझने के बाद दीपिका को वो किरदार मिल गया। रणवीर ने बताया, फिर जब हम फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए भंसाली के घर गए थे, दीपिका वहां सफेद कुर्ते में पहुंची थी। वो बिल्कुल एक हवा के झोंके की तरह मेरी जिंदगी में आई। इसके बाद सभी ने साथ खाना खाया था, और उस दौरान दीपिका के दांत में कुछ फंसा सा नजर आने पर उन्होंने दीपिका को बताया था। रणवीर ने बताया, वो मेरी बगल में बैठी थी, मैंने उनकी दांत की ओर इशारा करके ये बताया तो वो बोली कि तुम ही निकाल दो। मैंने अपने हाथों से उसे निकाल दिया, पर तब जो करंट का झटका लगा वो आज भी बरकरार है। वहां से दोनों के बीच खूबसूरत दोस्ती की शुरुआत हुई। फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों ने बहुत सा समय साथ गुजारा और उनके बीच नजदीकियां बढ़ने लगीं जो प्यार में तब्दील हो गई। बता दें कि दीपिका पादुकोण मूल रूप से भारत की ही है, पर उनका जन्म 5 जनवरी 1986 को डेनमार्क की राजधानी कोपनहेगन में हुआ था। ऐसा इसलिए कि उनके पिता प्रकाश पादुकोण मशहूर बैडमिंटन खिलाड़ी थे और मां उज्ज्वला पादुकोण एक ट्रैवल एजेंट थीं। उस दौरान वे लोग डेनमार्क में रहा करते थे, लेकिन दीपिका जब 1 साल की हुई तो उनके माता पिता वापस बेंगलुरु लौट आए। दीपिका की पढ़ाई लिखाई भी यहीं हुई। दीपिका शुरुआती दिनों में अपने पिता की तरह ही बनना चाहती थी,
वो बैडमिंटन में ही अपना कैरियर बनाना चाहती थी। लेकिन कहते हैं ना कि नसीब में जो लिखा होता है वही मिलता है। ठीक उसी तरह दीपिका के साथ भी हुआ। उन्हें बहुत ही कम उम्र में एक एड कंपनी से काम करने का ऑफर मिला और फिर क्या था, यहीं से शुरू हो गया उनका बॉलीवुड में आने का सपना देखना। उन्होंने साल 2004 से मॉडलिंग की शुरुआत कर दी थी। धीरे धीरे उन्हें एड, मॉडलिंग, शॉर्ट्स, फिल्म और रैंप वॉक आदि में काम मिलना शुरू हो गया। उन्हें फिल्मी दुनिया में लोग पहचानने लगे। मॉडलिंग के कारण ही उन्हें फिल्मी नगरी में पहला ब्रेक मिला। हालांकि ये कोई फिल्म नहीं थी, ये था हिमेश रेशमाया का मशहूर सॉन्ग एल्बम आपका सुरूर में उन्हें काम करने का मौका मिला। साल 2007 में उन्होंने फराह खान के निर्देशन में बनी फिल्म ओम शांति ओम से उन्होंने बॉलीवुड में एंट्री की। पहली ही फिल्म उन्हें शाहरुख खान के साथ मिली। इस फिल्म ने दीपिका को एकदम से शोहरत दिला दी। इसके बाद तो मानो उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिल्मों के साथ साथ वो अपने निजी जीवन को लेकर भी काफी चर्चा में रहती हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, दीपिका पादुकोण ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की थी और तब से ही उनका नाम कई लड़कों के साथ जुड़ता रहा है। आइए आपको बताते हैं, बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह से शादी करने से पहले दीपिका पादुकोण का किन किन लोगों के साथ अफेयर रहा। सबसे पहले बात निहार पांड्या की कर लेते हैं। निहार पांड्या और दीपिका पादुकोण की पहली मुलाकात साल 2005 में मुंबई के एक एक्टिंग स्कूल में हुई थी। दोनों ही उस समय मॉडलिंग किया करते थे। अचानक हुई दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई और दोनों रिलेशनशिप में आ गए। दोनों 3 साल तक रिलेशनशिप में थे। बॉलीवुड में फेम हासिल होने के बाद दीपिका ने निहार पांड्या से ब्रेकअप कर लिया था। दूसरे नंबर पर है उपेन पटेल। दीपिका पादुकोण और उपेन पटेल एक दूसरे को मॉडलिंग करने के समय से जानते थे। इस दौरान दोनों ने एक दूसरे को डेट करने का फैसला किया था। दीपिका पादुकोण और उपेन पटेल ने कभी भी अपने रिश्ते को लेकर किसी से बात नहीं की थी और न ही इसे कुछ खास सीरियस समझा था। ऐसे में जल्द ही दोनों का ब्रेकअप हो गया था। मॉडलिंग करते हुए ही दीपिका पादुकोण की मुलाकात मुजम्मिल इब्राहिम के साथ हुई थी। दोनों ने कुछ समय के लिए एक दूसरे को डेट किया था। हालांकि मुजम्मिल इब्राहिम के साथ दीपिका पादुकोण का रिलेशनशिप काफी लंबा नहीं चला था। अब बारी आती है युवराज सिंह की। जी हाँ, युवराज सिंह और दीपिका पादुकोण की पहली मुलाकात T20 वर्ल्ड कप के बाद हुई थी। उन्होंने तुरंत दोस्ती कर ली और अच्छे दोस्त बन गए थे। युवराज सिंह और दीपिका पादुकोण अक्सर डेट पर जाते थे। कहते हैं कि दीपिका पादुकोण ने युवराज सिंह के पजेसिव नेचर के कारण उनसे ब्रेकअप करने का फैसला किया था। एक समय पर दीपिका और बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर के अफेयर के खूब चर्चे भी खूब हुए थे। कहते हैं कि दीपिका पादुकोण एक्टर रणबीर कपूर के प्यार में पागल थीं। दीपिका ने तो प्यार में अपने शरीर पर रणबीर कपूर के नाम का टैटू तक बनवा लिया था। लेकिन ये रिश्ता ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाया और दिल फेंक आशिक रणबीर कपूर ने कैटरीना कैफ के चलते दीपिका पादुकोण से ब्रेकअप कर लिया था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस ब्रेकअप के बाद दीपिका पादुकोण डिप्रेशन में चली गई थी। फिलहाल दीपिका पादुकोण रणवीर सिंह से शादी कर खुशहाल जिंदगी जी रही है। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।